के लोगों का कायदा है कि वो घर की पुरानी चीज़ें ख्वाह वो कितनी ही बेकार और फजूल क्यों ना हो जाया नहीं करते। और दाश्ता आए बकार कहा कर किसी मकान या किसी कोने कुदरे में रखा देते हैं। इसी तरह अमना ने भी घर की दूसरे गैर जरूरी चीज़ों के साथ बड़ी बी का गुदड़ भी समेट कर काट कबाड़ की कुटरी में डाल दिया और बात आई गई हुई। ऐसी ऐसी कई तकरीबें अमना के यहाँ हुई और बड़ी धूम से हुई। माली मुफ्त दले बेरहम खूब दिल खोल कर रुपया खर्च किए। अहमद मिर्जा की अपनी कमाई होती तो दिल भी दुखता। पुराने बेचारे का असासा था चंद ही रोज में बुढ़िया की जायदाद का लगा लग गया। पहले रेहन की पर फरोख्त हुई सिर्फ ये रहने का मकान और इससे मुलहक बाजार के रुख की 11 दुकानें रह गए। छोटी लड़की को घोड़े चढ़ाने के लिए जो 2,000 रुपये कर्ज लेते इसका तकाजा शुरू हुआ। बड़ी लड़की का कार्य खैर जरूरी था लड़की वालों का इसरार और अपने दिल की खुशी का मौका क्यों कर हाथ से दिया जाता। फिक्र हुई कि इस मकान को भी 1-2-3 कर देना चाहिए। इतनी बड़ी डांडार मकान की क्या जरूरत है। लाला जकुमल ने 50,000 लगाया है। 40,000 की अच्छी मौका की जायदाद खरीद लेंगे तो 250 का किराए हो जाएगा। बाकी 10,000 में कर्ज अदा करने के बाद लड़की वदा हो जाएगी। खुद करोल बाग में सस्त मकान लेकर जा रहेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन दुश्वारी ये थे कि इसका कबाला इनके पास ना था और बगैर कबाला दे के खरीदे कौन। जब पानी गले गले आ गया और कर्ज ख्वाहों ने नाक में दम कर दिया तो पुरनानी की तरफ मुतवज्जे हुए। कोड़े का कोना कोना चांद मारा बुढ़िया का गढ़ गुदड़ देख डाला। आखिर कहना ही पड़ा कि नानी अम्मा तुम्हारी दामाद की अबरों पर बन गए हैं। मकान की बातचीत हो रहे हैं। कबला दे दोगे तो जान बचा जाएंगे वरना ये जहर खाने को तैयार बैठे हैं। मगर बुढ़ियाटस से मिस ना हुए अर्ज बवाली होते हैं। अब बड़ी बी के खातरे होने लगे। दोनों वक्त अमना खुद खाना लेकर आते और जब तक बड़ी बी खाते वो पास बैठे हुए खुशाम किया करते। अमना के मियाँ भी आते जाते मिजाज पूछते और दिन में 1-2 मरतबा मिन्नत खुशाम से कबाली की बाबत दरियाफत करते। पुरनानी ठंडे सांस भरते और कभी कुछ कह देते कभी कुछ। इसी तरह कई हफ्ते गुजर गए। एक दिन सुबह को अमना और इसका खवन दोनों मिलकर पुरनानी के पास गए और हद से ज़्यादा गिड़गिड़ाया तो बुढ़िया ने सिर्फ इतना कहा कि जिन्हें तुमने चितड़े जानकर फेंक दिया था वो सब मकानों के कबाले थे। उन्हें में इस मकान का कागज भी था। वो ला दो तो निकाल दो। इन बातों से दोनों मियाँ बीवी मायूस हो गए और मतलब बरारी की दूसरी तरकीबी सोचने लगे। काट कबाड़ी की कोटली में इतफाक से बल्ले ने बची दिए। सारे बच्चे कोटली में जाग से बल्ले के बच्चों की तलाश में जुटोटे पोटी चीजों को इधर उधर किया तो एक कोने में पुरनानी की धुलाई पड़ी थी। अमना की चोट